जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जो भी CISF कॉन्स्टेबल फायर के दोस्तों जो फिजिकल जो भी देने जाएंगे या फिर जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ID पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ दोस्तों। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे थे कि सर हमारे जो यहाँ पे यानी कि एडमिट कार्ड अभी नहीं निकल रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ थोड़ा सर्वर अभी डाउन चल रहा है, तो एडमिट कार्ड आपके निकल जाएंगे, उस चीज़ के लिए आप कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे करें कि आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है ये भी मैं अभी बता देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी हाइट वगैरह के बारे में, मैं पूरा नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे आपको दिखा दूंगा अभी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ये आपका CISF कॉन्स्टेबल फायर का ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन था उस पर यहाँ पे हम लेके आए हैं, और आपको पूरा जो यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको छूट हाइट में कितनी मिलने वाली है और दोस्तों रनिंग आपके कितने समय में कितनी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे दिया फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर। हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट 80 से 85 आपको फुलानी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, कम से कम 80 होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है वो भी बता दें। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं पहाड़ी इलाके से, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं देख सकते हैं, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट में भी छूट दोस्तों दी गई है 2 सेंटीमीटर की, और लोगों को 80 चाहिए लेकिन इनको 78 से लेकर 83 तक आपको ये 5 सेंटीमीटर फुलानी है। तो दोस्तों आपको हाइट में छूट दी गई है। साथ ही जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ट्रिबल और जो इन इलाके से जो बिलोंग करते हैं, उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट जो मांगी गई है, और चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 इनकी चेस्ट जो है यहाँ पे फुलवाई गई है, और हाइट के हिसाब से दोस्तों आपका वेट वहाँ पे मेंटेन करेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर रनिंग की बात करी जाए तो रनिंग की यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर की होगी, और आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 24 मिनट का मिलेगा। दोस्तों आजकल दोस्तों चिप सिस्टम कर दिया गया, आपके जूतों में लगा दिया जाता है, और उसमें जो है आपको टाइमिंग का कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 24 मिनट में आपको पास करना है, ओनली आपको 24 मिनट पूरी जो यहाँ पे समय जो है दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करें कि आपका अगर किसी का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं बता दूँ साइट थोड़ा बिजी चल रही है, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। साथ ही दोस्तों फिजिकल की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आपका फिजिकल जो है होने के बाद आपको एग्जाम के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, तो आपको फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो भी फिजिकल देने जाएं उनको लिए मैं जो है यही कहूँगा कि आप सब फिजिकल में पास हों और आगे एग्जाम के लिए सेलेक्ट हों। साथ ही एग्जाम की तैयारी अगर आप करेंगे आगे, तो आपको अगर कोई नोट्स वगैरह की हेल्प चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप कोई भी नोट्स वगैरह ले सकते हैं। रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी, और रेस में दोस्तों आपको 24 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, लेकिन 24 मिनट का जो पूरा समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा 5 किलोमीटर के रनिंग के लिए। और दोस्तों जिसमें छूट दी जा रही है वो मैंने बता दी, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।